हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम पांचाल स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल खाओ खिलाओ में। होली तो आ ही रही है, अगर होली पर ब्रेड पकोड़े ना बनाए हो तो होली पर खाने का मजा ही नहीं आता। और ये पकोड़े बिल्कुल सॉफ्ट और टेस्टी बने हैं, तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए हम सबसे पहले बेसन का बैटर बनाएंगे। ये मैंने 200 ग्राम बेसन लिया है, इसमें हम पानी डाल लेंगे और इसका बैटर बनाएंगे। हमें इसे विस्क से अच्छी तरह से फेंट लेना है जिससे कि इसमें लम्स ना रहे। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल लेंगे, थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और ये आधा चम्मच मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर भी डाल लेंगे जिससे कि ब्रेड पकौड़ा का लुक अच्छा आए। तो इन सभी चीज़ों को हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये बैटर अभी थोड़ा सा थिक लग रहा है, थोड़ा सा पानी और इसमें डाल लेंगे। पानी को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर बैटर थिक होगा तो पकौड़ों की शेप अच्छी नहीं आएगी। बैटर की थिकनेस हमें नहीं तो ज़्यादा गाढ़ी रखनी है, नहीं ज़्यादा पतली रखनी है। और ये बैटर बनकर तैयार है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे और ब्रेड पकौड़े के लिए फिलिंग बना लेंगे। फिलिंग बनाने के लिए मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, इनको हमें मैश कर लेना है। इनको हमें अच्छी तरह से मैश कर लेना है। और ये देखिए, ये मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। अब हम कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाए हम इसमें आधा चम्मच जीरा डाल लेंगे। जीरे को हम चटकने देंगे, यानी कि जीरे को हमें लाल कर लेना है। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है। और ये देखिए, जीरा लाल होने लग गए हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच पिसा हुआ लहसुन डाल लेंगे, थोड़ी सी कटी हरी मिर्च डाल लेंगे और ये थोड़ी सी मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। अगर आप हींग खाना पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमें इन्हें हल्का सा ही फ्राई करना है, ज़्यादा लाल हमें इन्हें नहीं करना। और ये हल्के से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे मैश किए हुए आलू। आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल लेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये आधा चम्मच में इसमें फ्राइड धनिया जीरे का पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल लेंगे। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे काला नमक। काले नमक से पकौड़े में काफी अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर भी डाल लेंगे जिससे कि फीलिंग का लुक अच्छा है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, डालना जरूरी नहीं है। हल्दी पाउडर को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा डाल लेंगे इसमें कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिया को भी मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ब्रेड पकौड़े के लिए फीलिंग बनकर तैयार है। और ये लिए है मैंने ब्रेड। तो सबसे पहले हम एक ब्रेड लेंगे, एक ब्रेड के ऊपर हम फीलिंग रख लेंगे और इसे इस तरह से ब्रेड के ऊपर फैला लेंगे। फिलिंग को हमें अच्छी तरह से ब्रेड के ऊपर फैला लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें दूसरा ब्रेड लेना है और इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है। हल्का से इसे प्रेस कर देंगे जिससे कि अच्छी तरह सेट हो जाए। अब हम नाइफ लेंगे और बीच से इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम ब्रेड को पकोड़े के लिए तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे ब्रेड पकोड़ों के लिए बनाकर तैयार कर लिए हैं। और ये बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो गई है, इसकी थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब हम ब्रेड लेंगे और ब्रेड को इस तरीके से बैटर में डिप कर लेंगे। दोनों तरफ से हमें इसे डिप कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसे कढ़ाई में डाल लेंगे और ये तेल को मैंने गर्म कर लिया है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे ब्रेड को भी बैटर में डुबोकर कढ़ाई में डाल लेंगे। जितना स्पेस कढ़ाई में है उतना ही ब्रेड हम इसमें डालेंगे। 1 मिनट बाद ही हमें इन्हें पलटना है। अगर हमने पहले पलटेंगे तो फट जाएंगे, तो इसीलिए हमें 1 मिनट बाद ही पलटना है। तो इसी तरीके से हम इन्हें 1-1 मिनट बाद पलट कर फ्राई कर लेंगे। हम इन्हें गोल्डन ब्राउन करना है। तो इस तरीके से ब्रेड पकौड़े बनाइए। होली आने वाली है, इन्हें जरूर ट्राई कीजिए। और इन्हें मैंने मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है। इन्हें फ्राई होने में लगभग 6 से 7 मिनट लगे हैं। और ये देखिए, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बचे ब्रेड को भी फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।
अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और ये सारे ब्रेड पकौड़े बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। आप इसे हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।